Hi everyone, my name is Ansh. I will share you a poem. Rain, 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 falling, falling down, drip, drop, drip, rain hits the ground, wet, wet, wet. There is no outside play, floods and floods, and I want and a summer day. Thank you. I am looking at my memory. बच्चे खाओ कच्ची गाजर नींबू खीरा और टमाटर रात दो दो पाँच के सुनते बच्चे कह रहे हो कि पहली कविता का शीर्षक है प्रश्न। आदर और सम्मान हम किसे और कितना देते हैं इस बात पर निर्भर है कि उस व्यक्ति विशेष का व्यवहार हमारे प्रति कैसा है और उसकी अपनी सार्वजनिकता क्या है। किसी को भी दिया गया सम्मान हमारे अपने निजी सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। हालांकि ऐसे में उसके सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये उसका उत्साह वर्धन ही होता है जो उसकी अपनी क्षमताओं के होते हुए जीवन में अग्रसर होने के लिए आवश्यक है। परंतु हर किसी को दिया गया सम्मान वह अपने स्वाभिमान पर चोट का सबब बने कहा नहीं जा सकता। ऐसा करना दिमाग नहीं दिल के रास्ते मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाना है। एक को दिया गया आदर क्यों कई दूसरों की निगाह में प्रश्नचित्त बन जाता है। और दूसरी कविता का शीर्षक है प्रतिरूप। ख्यालात हद बताते हैं कविता रह रहकर दिल पर दस्तक देती है। चंद पंक्तियां लिख देने भर से कविता नहीं हो जाती है। ये तो किसी समय असमय हृदय पर अवतरित होती है जो सभी अपने गिर्द चलता है घटता है दिल पर अपनी छाप छोड़ता है विवश करता है कुछ कहने को। अपने ख्यालों का तादस पर घनीभूत हो जाना ही दूसरे के दिलों पर प्रभावित होना निश्चित करता है और अपने विचारों का प्रतिरूप बन जाता है बनाता है। धन्यवाद।